गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गणित में यूनिट 6 बुल्लक में पेज नंबर 89 पर आए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करती हूँ। आओ पंपलेट देखें। माँ, आज तो अखबार कुछ ज्यादा भारी है, देखूं ऐसा क्या है। सीमा, माँ इसमें बहुत सारे पंपलेट हैं, इन पर दाल चावल आदि के भाव लिखे हैं। माँ, हाँ किरियाना की कुछ दुकानों के पंपलेट है। सीमा ने इन पंपलेट से इस प्रकार सारणी बनाई। यहाँ पर वस्तु का नाम है, यहाँ पर अग्रवाल किरियाना स्टोर, पाहुजा किरियाना स्टोर, साक्षी किरियाना स्टोर, देव किरियाना स्टोर, ये अलग अलग दुकानों की यहाँ पर सूची बनाई गई है। फिर सीमा, माँ मैं अग्रवाल किरियाना स्टोर से चीनी लेने जा रही हूँ। माँ, साक्षी किरियाना स्टोर से ले आ, वह है नजदीक है। सीमा, पर माँ अग्रवाल किरियाना स्टोर पर चीनी 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, साक्षी किरियाना स्टोर पर 33 रुपए प्रति किलोग्राम है। आते हुए चावल साक्षी किरियाना स्टोर से लेती आऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद सीमा ने अग्रवाल किरियाना स्टोर से चीनी क्यों खरीदी, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम इस सूची में देखते हैं तो देखिए चीनी यहाँ पर है, तो चीनी का अलग अलग सभी दुकानों के किरियाना स्टोर्स के रेट दिए गए हैं और सबसे कम किसका है, अग्रवाल का 30 रुपए। इसलिए सीमा ने, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम रेट था, भाव था, इसलिए सीमा ने अग्रवाल किरियाना स्टोर से चीनी खरीदी। सीमा ने साक्षी किरियाना स्टोर से चावल क्यों खरीदी, अब चावल का देखते हैं यहाँ पर देखिए, और साक्षी किरियाना स्टोर पर चावल सबसे सस्ते हैं, इसलिए सीमा ने साक्षी किरियाना स्टोर से चावल खरीदे। इस दुकान से मूंग की दाल खरीदने से बचत होगी, अब मूंग की दाल देखते हैं कि यहाँ पर सबसे कम देव किरियाना स्टोर का है रेट, तो देव किरियाना स्टोर से खरीदने पर बचत होगी। उसके बाद है, किस दुकान से साबुन खरीदने से बचत होगी, अब देखते हैं साबुन। ये देखिए साबुन का रेट कहाँ पर, ये 44 रुपए पाहुजा किरियाना स्टोर पर सबसे कम भाव है, तो पाहुजा किरियाना स्टोर से खरीदने पर बचत होगी। फिर है, चावल और मूंग की दाल कौन से किरियाना स्टोर से खरीदना पसंद करेंगे और क्यों, आप भी अलग अलग दुकानों पर जाकर वस्तुओं की कीमत पता कीजिए। तो चावल और मूंग की दाल का देखते हैं पहले, चावल और मूंग की दाल, चावल सबसे पहले है यहाँ पर, देखिए साक्षी किरियाना स्टोर से खरीदेंगे क्योंकि सबसे कम भाव इसी के हैं। फिर मूंग की दाल है, हम देव किरियाना स्टोर से खरीदेंगे क्योंकि मूंग की दाल के सबसे कम भाव देव किरियाना स्टोर के हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, आप भी अलग अलग दुकानों पर जाकर वस्तुओं की कीमत पता कीजिए, तो ये आप पास की दुकान पर जाकर अलग अलग वस्तुओं की कीमत का पता कर सकते हैं। फिर है, सीमा मेरे पास साइकिल होती तो मैं सारा सामान बाजार से ले आती, पापा मुझे साइकिल दिलवा दो। पापा मैं तुम्हें साइकिल दिलवा देता हूँ, कल ही मेरे दोस्त सुरेंद्र ने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है, सब खर्चों को शामिल करने पर साइकिल लगभग 6000 रुपए में मिली। सीमा, सब खर्चों को शामिल करने का क्या मतलब है। पापा, दुकानदार ने साइकिल की कीमत 5500 रुपए 5500 रुपए बताई, लेकिन उस पर घंटी, सीट कवर, कैरियर आदि लगवाने में 500 रुपए और लग गए। सीमा, पापा मुझे पुरानी साइकिल भी दिलवा दो, 2 दिन पहले कृतिका को उसके पापा ने पुरानी साइकिल 3900 रुपए में दिलवाई है। ये देखिए, वस्तु के क्रय मूल्य में हम किन किन खर्चों को जोड़ते हैं। जिस प्रकार हमने ऊपर बातचीत पढ़ी है, तो उसने बताया कि 5500 रुपए तो साइकिल की कीमत बताई गई थी, लेकिन घंटी, सीट कवर, कैरियर आदि लगवाने में 500 रुपए और लग गए। यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको और कीमत को जोड़कर जो हमारा टोटल खर्चा होता है वो हम क्रय मूल्य में गिनते हैं। प्रयोग में लाई गई वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचा जाता है या अधिक मूल्य में बताई। प्रयोग में लाई गई वस्तु को जिस रेट में हमने खरीदा है उससे कम मूल्य में बेचते हैं, क्योंकि वो हमने प्रयोग कर ली है। क्या हम पुरानी वस्तु को क्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बेच सकते हैं, यदि हाँ तो उन वस्तुओं की सूची बनाओ।
पुरानी वस्तु क्रय मूल्य से ज्यादा, यानी कि जिस भाव में हमने खरीदी है उससे ज्यादा मूल्य में हम कैसे बेच सकते हैं, उन चीजों की सूची बनानी है। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई मकान लिया है, घर लिया है, मकान, प्लॉट, फ्लैट, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी टाइप की होती है वो चीजें हम अधिक मूल्य में बेच सकते हैं। क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। इस सूची में हम बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक है, हम एक साल पढ़कर अपने पुराने दोस्तों को वो आधे मूल्य पर बेचते हैं। फिर है साइकिल है, अगर हम चला लेते हैं तो वो कम मूल्य में दे देते हैं। स्कूटर है, मोटरसाइकिल, कार आदि बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रयोग करके उनको कम मूल्य में बेच देते हैं।